हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मैं और शाला करने वाले हैं बिग गोलगप्पा चैलेंज। सो बहुत ही मजा आने वाला है। इस टाइम मैं गाड़ी पे मौजूद हूँ। सो शाला का वेट कर रहे हैं, शाला बस आने वाली है, उसको पिक करते हैं और फिर निकलते हैं गोलगप्पा चैलेंज के लिए। आज मैं आपको पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट दिखाऊंगी, इसके साथ साथ एक दर्जन गोलगप्पे कितने के आते हैं। पहले तो आज से जब मैंने एक महीना पहले खाए थे तब 250 के थे आई थिंक। सो अब मुझे पता नहीं है कि क्या प्राइस है, और साथ देखते हैं कि मैं विन करती हूँ या शायला विन करती है। हमारे साथ जुड़े रहे। शायला मदरमा गाड़ी में मौजूद है। हाँ जी शायला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नेचुरल शायला की नेचुरल ब्यूटी विदाउट मेकअप। हाँ यार, इतना बड़ा चैलेंज था। एक्चुअली मैं अपनी ना जो कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में मेकअप वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। हाँ, शूट करना हो, रोड शो करना हो, इंटरव्यूज करना हो, फिर मेकअप लगा लेती हूँ, अदरवाइज मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सही हो गया। हाँ, ये जी शायला के शोहर साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहेंगे जी भाई? शायला के सर में दर्द हो रही है, से पूछे क्यों? हाँ जी क्यों? यार मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है। एक्चुअली नायला ने मुझे ना चैलेंज दिया है और मैं इस बंदी से कभी जीत नहीं सकती हूँ। मैं खाने में इतनी कहते हैं ना बहादुर नहीं हूँ, बहादुर नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन गोलगप्पा चैलेंज है। सो लेट्स सी कौन विन करता है। विन मैं ही करूंगी, वो अलग बात है कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन खाने की कैपेसिटी पावर अभी भी जो जीतेगा उसका इनाम क्या होगा? उसका मैं गाड़ी चलाऊंगी। हमें जिंदा रहने मरना नहीं है, हमें मौत नहीं चाहिए, हमें इनाम चाहिए। अच्छा क्या वैसे चाहिए? कोई भी एक टास्क जब एक विन करना उसके से होनी चाहिए। तुम हमें डिनर करा देना बस। हाँ, जो जीतेगा मेरे पास पाकिस्तान में डिनर का मतलब है जेब खाली करवाना। सो ये काम नहीं कर सकती, मेरे पास कैंडी है, वो मैं इनको एक एक जरूर दे दूंगी। चलो लाहौर का मौसम बहुत ही जबरदस्त हो गया है, आसमान काले हो चुके हैं, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, बादल आ चुके हैं और अभी तक हमारा सफर ही कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने यार वो तो ठीक है ना, मैंने हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान में गोल कपड़े ढूंढने बड़े मुश्किल है। अच्छी जगह के, और ये साइड पे देखो कितना प्यारा, वाओ ये बारिश, ये मौसम क्या बात है। ऐसे लग रहा है रात के 8 बज गया है। ऊपर देखो बादल नहीं, मिट्टी लग रही है। यार इस पे एक गाना याद आ गया, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चाइला। जब बारिश होती है तो क्या आता है? पानी। इधर देख रहा, वो उसी तरह बोल जैसे बोलता है। ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी। नहीं यार, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो यहाँ पे गटर की सहूलतें नहीं है, वो फिर रोडों पे जम जाता है, और जब रोडों पे जम जाता है तो फिर स्मेल आता है, और जब स्मेल आता है लोग बीमार हो जाता है, और जब लोग बीमार हो जाता है फिर क्या कहते हैं? लोर लोर है। हाँ जी, लोर लोर है। और अभी हम गोलगप्पे के लिए जा रहे हैं। वाह, बारिश हो रही है, दरवाजा खोलने लगी हूँ, अब लगेगी ये दौड़। देखो ये हमारे फ्रेंड्स में हमसे मिलने आया। ये बोतलें ठंडी हो गई। चलो ये हम रेस्टोरेंट आ चुके हैं। ये बर्तन बुर्तन मिल रहे कभी भी ना दूं। अब हम यहाँ पे कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करें। मटन है और चिकन है। मटन की क्या प्राइस है? 3200। और पराठा रोल की क्या? 290। ये हमारे लिए थोड़ा अब भूख लग गई है, मटन का सुन के तो भूख खत्म। हमारे लिए 2 पराठा रोल कर, कोको कोला ले आना और ताजे कटे हुए प्याज ले आना, और साथ कुछ जलने के लिए भी ले आना। ताजे कटे हुए प्याज ले आना, साथ ताजा खीरा काट लेना, और 2 नींबू और साथ 2 नींबू दो नींबू
रोटी 16 रुपए के नान 30 रुपए का, इसलिए हम रोटी खाएंगे। कुछ लिखा ही नहीं है, एक खीरा और एक प्याज काट के, वरना नहीं तुम खुद काट। दोस्तों यहाँ पे ना कोई बहुत ही ज्यादा मसला हो गया, वो बेचारे को कोई एक से ऑर्डर दे रहा, कह रहा प्याज के साथ टमाटर भी ले आना। तुसी घर विच नहीं बैठे हुए, होटल दे विच बैठे हुए हो, हर बंदे दे पीछे दो दो ला दे बस। सस्ते भी लोग आए आज, भाई मेरी बात सुने, कोई बात नहीं है, सीख यार मेरी बात सुनो दोस्तों, हमारे भी लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में पाबंदी लग गई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। अब यही करना रह गया। जिस भी यूट्यूबर को देखोगे वो ऐसे फोन पकड़ के भी लोग। शाला तो क्यों हंस रही है इतना? यार हंस रही हूँ, हम पे कयामत टूटी पड़ी है। हमने उसको इतना बुरे तरीके से ऑर्डर दिया ना, वो बेचारा कह रहा था कि पता नहीं इनको क्या हो गया, लेकिन खैर खाते हैं फिर बात करते हैं। बात तो मीज है, चलो ये होता रहेगा, खाते हैं। लो जी बारिश में कर जाएगा, वो पानी ज्यादा हो जाएगा ना, ग्रेवी फिर एक्स्ट्रा हो जाएगी। मुर्गी क्यों नहीं है? जहर है पानी, जहर भी नहीं है। चलो आगे चलो, इतना बड़ा होटल ढाबे के सब कुछ छत लीक हो रही होगी। और भाई यहाँ ना पीछे है, हमने तो बकायदा पीछे बहुत मजे का टेस्ट है, बस चलो गंदा सा है, गंदा सा है, लेकिन हम उस गंदे वाले में चलते हैं। मास्टर बिरयानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। ओके भाई आपकी शॉप से मैं कुछ भी नहीं मिला, आज हम यहाँ पे आए हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला, अब हम वेले होके यहाँ से वापस आ गए। हमें ये मिला है, ये धोने थे लेकिन नहीं धो सके। चलो अब हम जाते हैं, मौसम भी खराब है, गोलगप्पे का प्लान कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पे पराठा नहीं मिल रहा, तो गोलगप्पे कहाँ से मिल रहे हैं दोस्तों? कितनी अच्छी हवा आ रही है, चलो इस साइड पे चल रहे हैं शायला। अब हम इस साइड पे जा रहे हैं ढाबे पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ खाने को नहीं मिला। मौसम बहुत अच्छा है, ये आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। मेरी मेरी बकरी हो गोलगप्पे की क्या प्राइस है? 180 180 लेकिन ये नहीं खाने। हम यहाँ पे आया खैबर शनवारी, हमारी बहुत गलत इंसान, हमारी उम्मीदों को पानी फेर दी, बारिश फेर दिया, ये बहुत गलत इंसान है। यहाँ पे बर्फ मार्केट लेके आज किस दुकान पे जा रहे हैं? अबे बारिश हो रही है, बारिश में खत्म, बारिश में खाना भी बर्बाद हो जाता है, बारिश में तो लोग क्या, बारिश में यहाँ पे सब कुछ मुक जाता है, बारिश पहले खत्म होगा, बारिश में बारिश में क्या होता है, चाय चलती है, चाय ज्यादा चलती है, चाय और बारिश का क्या ताल्लुक है आपस में? बारिश का चाय का तो बहुत बड़ा ताल्लुक है, बारिश का तो बहुत बड़ा ताल्लुक है, जो बारिश का पानी आता है वो चाय में डाल देते हैं। यार चुप करके वो छोटे बन पाए, 10 समोसे का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे भी आगे में कुछ नहीं मिला, अब लास्ट पे हमारी जो बात हुई है वो समोसे पर डाल दिया, और अब हम सिर्फ समोसे खाएंगे। शायला जस्ट समोसे, हाय ये मेरी कुर्सी है, सिर्फ समोसे खाएंगे और कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत मजे के हैं, ये सच में खाओ, ये भी लेने थे, कितने रखे हैं?
कैसा है? टाइम आ गया, ये 500 के दो नोट हैं, दोनों के ऊपर कायदे आजम बना हुआ है। और 10 समोसों का हमने 860 रुपए, 10 समोसों का बना 860 रुपए, तो अब वो हम देंगे। समोसे खाना भी इतने महंगे रहते हैं, की करिए, खाते नहीं, पैसे देने पैसे दे जा रहे हैं। हाय ये मुझे लगता है पकौड़ियों में वो जो डालते हैं ना, इस वजह से वो ऐसे तो हो रहे हैं। भाई वन भाई से पूछा, 1 किलो लोहा है, 1 किलो सीमेंट है और 1 किलो रुई है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? तो इनका ये कहना है कि भाई ये कहती है लोहे का वजन ज्यादा होगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई रुई का वजन ज्यादा होगा। रुई का वजन नहीं होता यार, यार तो सब किलो किलो है ना, तो वजन कितना ज्यादा है? सब किलो किलो है ना, लोहा सबसे भारी होता है, सीमेंट उससे भारी होता है, तो किलो किलो कैसे? सीमेंट उठा के देखा? हाँ, कब देखा था? जब घर पर। लेकिन यार यूनिट तो 1 केजी है ना, तो भारी और कम क्या मतलब है? सब इक्वल है ना, 1 केजी इक्वल कैसे है? इक्वल नहीं है ना, लोहा भारी होता है, लोहा भारी है ठीक है, फिर सीमेंट उससे भी भारी है, रुई सबसे हल्की है, तो वो किलो किलो कैसे? और मेरी माँ मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ कि जब आपने ये मोबाइल पकड़ा, वो मोबाइल पकड़ा, सब बराबर ही है, तो रुई भी इसी तरह की है, 1 किलो रुई पकड़ी, 1 किलो लोहा पकड़ा। आपने क्या सबसे भारी क्या है? आपने किलो नहीं कहा, आपने क्या सबसे भारी क्या है? तो भारी ऑब्वियसली सीमेंट और लोहा होगा ना। ये पठान है, नाइला का कोई कसूर नहीं, नाइला बस पठान है। इंटेलिजेंट होते तो समझ आ जाती। बात सुने, किसी और से पूछते हैं, किसी और से अंकल जी बात सुनेंगे। अंकल जी एक मिनट, बात तो सुनो, बात सुने। लोहा सीमेंट में बात हो रही है। एक बात कर रहे हैं, एक तरफ लोहा पड़ा हुआ, 1 किलो लोहा, 1 किलो सीमेंट, 1 किलो रुई है, सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? लोहे का होगा। सब किलो किलो है, सब बराबर है, किलो किलो। हाँ किलो होगा, जो वजन उठाने में, वजन बराबर है, इनको भी समझ आई है। यहाँ पे जुफियां डल रही है, सब जा रहे हैं। अजीज भाई अल्लाह हाफिज़ आप मिलते हैं कल, बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़। चलो जाओ, नजर ना आना वापसी पे। ये देखिए इतना ज्यादा जैम हो गया है बारिश की वजह से, और हम बहुत बुरी तरह जी ट्रैफिक में फंस चुके हैं, लेकिन खैर घर तो जाना ही है। देखिए स्लोली हम घर जा ही रहे हैं। सेरा जी देखो कोको से प्यार कर रही है। कोको ये देखो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। सही, कितना से हम लेके आए थे इसे? यार हम इसको लेके आए थे, ये बड़ा तेज हो गया। ये इतना ज्यादा खेलता है ना, ये देखो जब तक अब ये सवेरा यहाँ पे रहेगी ना, ये ऐसी बदतमीजी करेगा। ये देखो बस कर। आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको हमारा कोको कैसे लगा, मेरा व्लॉग कैसे लगा, कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।